आ गई एलएस इस समय की जानकारी दे रहा हूं। आज फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव डांसिंग, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा, हिसार से जेपी को टिकट मिला है, सिरसा से कुमारी शैलजा को, वरुण चौधरी अंबाला से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लिस्ट आ चुकी है सबसे पहले जी मीडिया पर हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, और जिस तरह से लिस्ट आई है, लिस्ट आ चुकी है, ये जानकारी पुख्ता तौर पर हम अपने तमाम दर्शकों को जो लाइव इस समय जुड़े हुए हैं उनको जानकारी दे सकते हैं, और लिस्ट आ चुकी है। बड़ी जानकारी ये विनोद आपकी तरफ से जारी की गई है। मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से लिस्ट दोहराएं, और ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। विनोद लांबा डिप्टी एडिटर हरियाणा के हमें जानकारी दे रहे हैं। विनोद एक बार फिर से लिस्ट दोहराइएगा। देखिए, 8 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। अंबाला वरुण चौधरी, अंबाला जो रिजर्व सीट है वो वरुण चौधरी को मिली है। सिरसा से कुमारी शैलजा है, हिसार से जयप्रकाश जो मैं इंडिकेट कर रहा था हमारी खबर पे एक और मोहर, करनाल से मैंने आपको याद होगा दिव्यांशु बुद्धि राजा का नाम लिया, दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिली है करनाल से, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, ये नाम जी मीडिया ने चलाया था, सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत से टिकट मिली है, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक और नाम पर पुष्टि जी मीडिया की खबर पर, भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार हम राव डांसिंग का नाम चला रहे थे वो खबर पर भी पुष्टि, और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, कुल 8 उम्मीदवारों के साथ ये लिस्ट आ चुकी है। गुरुग्राम का नाम इसमें नहीं है, जिस तरह से इंडिकेशन था मैंने एक मुलाकात का जिक्र किया, 8 नाम के साथ लिस्ट आ चुकी है। दर्शकों को फिर दोबारा बता दूं, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव डांसिंग होंगे, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा, हिसार से जयप्रकाश, सिरसा से कुमारी शैलजा, अंबाला से वरुण चौधरी। बिल्कुल, वरुण मौलाना का हालांकि नाम सामने आ रहा था, और हिसार से अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे विनोद। अब ये जो लिस्ट आई है, कुछ नाम तो ऐसे हैं जिस पे चर्चा चल रही थी और कोई बहुत ज्यादा संशय नहीं था, मंथन भी स्टार्टिंग के फेजेस में ही पूरा हो चुका था, लेकिन बुद्धि राजा हो गए, और भी एक आध नाम ऐसे हैं विनोद, कहें तो नया नाम रेस में देखा गया। देखिए, करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा की चर्चा थी और दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिली है, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन लास्ट राउंड पर कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए करनाल से नजर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा होंगे। सोनीपत की बात की जाए, सतपाल ब्रह्मचारी नाम आपने भी सुना होगा और टीवी मीडिया पे दर्शकों ने सुना होगा, वो लिस्ट भी आई है, और कहीं ना कहीं जो सोर्सेस के हवाले से थे, गुरुग्राम को लेकर मैंने एक मुलाकात का जिक्र किया, वो मुलाकात कहीं ना कहीं काम आती नजर आ रही है, और गुरुग्राम होल्ड पर डाल दिया गया है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप कांग्रेस के उम्मीदवार, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी की टिकट कट गई है, महेंद्रगढ़ भिवानी से भी बड़ी खबर है, टिकट कट गई है, राव डांसिंग को टिकट मिली है, रोहतक से कोई कंफ्यूजन नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बैटिंग कर रहे थे इनके लिए, करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा, टीम दीपेंद्र के एक मजबूत साथी कहे जाते हैं, और कहीं ना कहीं मोहर जो है हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिलवाना ब्रजेंद्र सिंह के लिए बड़ा झटका, हिसार से जयप्रकाश, सिरसा से अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा, वरुण चौधरी अंबाला से, दोनों रिजर्व सीट, इन पर कंफ्यूजन नहीं, तो दो नाम जो टिकट कटने के तौर पर देखे जाएंगे, हिसार से देखा जाएगा ब्रजेंद्र सिंह का, करनाल से रेस पे बाजी मारी है दिव्यांशु बुद्धि राजा ने, और सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी का नाम हम लगातार चला रहे थे, और अब भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह ने श्रुति चौधरी की, यानी कि किरण चौधरी परिवार ने, बंसीलाल परिवार ने एक बड़ी सेंधमारी करते हुए कांग्रेस की टिकट पाई है। बिल्कुल, और अगर मैं विनोद इस पूरी लिस्ट को इस वक्त देखूं, ये 8 जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, क्या कह रहा है आपका अनुभव, किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं एक बात साफ तौर पे कह सकता हूँ, बहुत जल्दबाजी नहीं होगा इस कमेंट को पास करने में, लेकिन इस कमेंट में कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी छाप नजर आती है, और जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी छाप नजर आती है, क्योंकि राव डांसिंग के लिए टिकट कौन मांग रहा था, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान मांग रहे थे। बात की जाए हिसार से जेपी के लिए, तो वहां भी बैटिंग कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे थे, और ये जो थी वो ज्यादा टिकटें दिलाने में कामयाब रही है, और किरण चौधरी की बात की जाए, बहुत कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन अब भिवानी महेंद्रगढ़ के उम्मीदवार के तौर पर राव डांसिंग का नाम आना किरण चौधरी परिवार को, बंसीलाल परिवार के लिए एक बड़ा झटका।
बिल्कुल, अगर विनोद यानी कि अब हम देखें जो सब कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो फाइनल जो लास्ट मीटिंग हुई थी आज के पहले सब कमेटी की, और उस दौरान जब अलग अलग मुलाकातें हुई थी, चाहे वो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी से हो, रणदीप सुरजेवाला से हो, यानी कि ये समझाने के लिए था कि अब इस चुनाव में आप कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का बस समर्थन करें, आगे बढ़ाएं। देखिए निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है ये विनोद, एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे। बिल्कुल विनोद, मैं ये कह रही हूँ कि अब जो लिस्ट सामने आ गई है तो ये स्पष्ट हो गया है कि जब लास्ट मीटिंग हुई थी सब कमेटी की और अलग अलग मुलाकातें हुई थी, चाहे वो श्रुति चौधरी, किरण चौधरी से हो या फिर रणदीप सुरजेवाला से हो, अब ये मान लिया जाए कि वो जो मीटिंग थी वो एक तरीके से समझाने के लिए थी कि आप इस चुनाव में अब बतौर समर्थक काम करें, पार्टी को आगे बढ़ाने का उम्मीदवारी छोड़ दें। देखिए निश्चित तौर पर उन्हें अपनी तरफ से प्रयास किए गए और जो कहीं ना कहीं गुटबाजी थी कांग्रेस में वो किसी से छुपी नहीं है। पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष एक पक्ष में थे, एसआरके जोड़ी एक पक्ष में थी, लेकिन टिकट पे जो छाप है सतपाल ब्रह्मचारी, सीधे तौर पे कहा जा सकता है कौन से खेमे से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोटी पे लगातार उनको देखा गया था। रामदान सिंह लगातार दिल्ली आ रहे थे और कई मुलाकातें हुई, जी मीडिया पर उन्होंने दावा भी किया, ये दो नाम मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ। जयप्रकाश, जेपी लगातार अपनी टिकट का प्रयास कर रहे थे और हुड्डा खेमे से ही आते हैं, तो तीन चार जो सीटें ऐसी हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा को लेकर भी कहते हैं, अब जब टिकटों का बंटवारा हो चुका है, गुरुग्राम होल्ड पर है, उसकी होल्ड की वजह बता रहा हूँ, मेरे पुख्ता सूत्रों ने मुझे जानकारी, ठीक है, आपने नाम लिया है विनोद जयप्रकाश जी को और जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई हो, हिसार से उम्मीदवारी है, कड़ा मुकाबला था लेकिन अब तैयारी पूरी, पूरी तैयारी, और पहले से अंदेशा था, बातचीत जारी थी, लंबा मंथन चला है? नहीं, मुझे तो क्या अंदेशा था, तो पार्टी हाईकमान ने और हमारी प्रदेश के हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी हाईकमान, इन सब का था, ये प्रभारी हमारे बावरिया जी, तो हमें तो कोई अंदेशा नहीं था, तो एकदम मैंने तो अभी खबर आई अभी। जयप्रकाश जी, दावेदारी हिसार से दमदार थी और ऐलान भी एक तरफ से कर ही दिया गया था वीरेंद्र सिंह जी द्वारा। ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एक अखबारी बातें होती है, पार्टी जो फैसला करती है सबको स्वीकार होता है। बिल्कुल, और दे दिया जब भी ठीक है, नहीं देते जब भी ठीक था, यानी आगे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नए अगर कोई पार्टी में सदस्य आए हैं तो वो उठेंगे नहीं? नहीं, सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी में है, ये तो एक कोई मिलनी है, किसी को मिले उसमें क्या आपस में। बिल्कुल, और लंबा मंथन चला है, तीन दिन बाकी रह गए नामांकन को और उसके पहले ही अब ये लिस्ट जारी हुई है, तो अब पूरे आश्वस्त हैं प्लानिंग और रणनीति के साथ में आगे? हाँ, सब कुछ है, ज्यादा मैसेज बहुत आने लगे, बस मैं बहुत मैसेज आ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बधाई हो आपको, उम्मीदवारी आपकी है हिसार से और पूरी ताकत के साथ निश्चित रूप से जयप्रकाश जी भी अब चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हिसार की अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्रजेंद्र सिंह का नाम जोर शोर से आगे था, लेकिन जयप्रकाश जी भी रेस में आगे चल रहे थे, और अब जो लिस्ट सामने आ गई है कांग्रेस की तरफ से, ये सूची जारी कर दी गई है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 8 सीटों पर नामों का, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। और एक बार फिर से ये सूची हम दोहरा देते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से इस सूची का इंतजार था। रोहतक से हम बात करेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिला है, कोई संशय इसमें नहीं था। सिरसा से कुमारी सैलजा को, और कुमारी सैलजा तो चुनाव प्रचार में भी अगर हम सिरसा की बात करें तो जुट गई है, और अब औपचारिक रूप से उम्मीदवार की तरह अब वो सिरसा में जनता के बीच जाती हुई नजर आएंगी। फरीदाबाद की बात करेंगे, महेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, टिकट दिया गया है। अंबाला से जो नाम जी मीडिया लगातार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से आपको भी जानकारी दी जा रही थी, जो लगभग फाइनल था, वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं हिसार से हम बात करेंगे, हिसार से जयप्रकाश जी को टिकट दिया गया है, और करनाल से बुद्धि राजा हमारे साथ, दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया गया है। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, हिसार की ही हम बात करेंगे फिलहाल, अगर हिसार में अब देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में आना बेकार हुआ? देखिए कहीं ना कहीं उचाना का जो दावेदारी है वो लगातार बनी रह सकती है, और जो सोर्सेस बता रहे थे कि बतौर सांसद जो गैर हाजिर रहे वो एक बड़ा कारण हो सकता है। अब निश्चित तौर पर अब ये तय करना होगा उस परिवार को, वो परिवार क्या करता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो कहीं ना कहीं दावेदारी थी वो पुराने जब सांसद रहते हुए कहीं ना कहीं वो जो दावेदारी कहीं ना कहीं कमजोर होने का काम हुआ,
वो पुरानी सांसद के तौर पर गैर हाजिर रहना क्षेत्र की बात जरूर कही जा रही थी, जो कांग्रेस में उनके विरोधी कहने के बाद जो कहीं ना कहीं रख रहे थे, तो ये ऐसे तमाम वजह हो सकती हैं। लेकिन मेरे को जो नजर आता है, राजनीतिक तौर पर फैसला वो परिवार करेगा उसको क्या करना है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इसके बाद क्या इतना पेशेंस होगा कि आगे अपनी जो विधानसभा की तैयारियों की ओर रुख किया जाए या फिर नाराजगी सीधे तौर पर नजर आए। बिल्कुल विनोद, क्योंकि अगर हम पृष्ठभूमि देखें, अगर हम एक्सपीरियंस देखें वीरेंद्र सिंह का भी, और जिस तरीके से घोषणा कर दी गई थी, नाराजगी निश्चित तौर पर दिखेगी और इतना पेशेंस जैसा कि आप भी कह रहे हैं रखना शायद मुश्किल होगा। दूसरी तरफ करनाल की अगर हम बात करें, बुद्धि राजा को उतारा है पूर्व मुख्यमंत्री के सामने, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, देवांशु बुद्धि राजा एक यंग फेस थे और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस तरह से अपना जो यूथ कांग्रेस का कार्य था उसको बकायदा संभालने का काम वो करते नजर आ रहे थे। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि उन सब के बावजूद भी क्या एक चेहरा बनकर जो कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे के सामने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं लेकिन एक चेहरा है, 9.5 साल जब राज किया है प्रदेश पे, तो एक यंग फेस देने का काम किया गया है। क्या क्षेत्र और वर्ग को भी इसमें ध्यान दिया गया? लेकिन निश्चित तौर पर पंजाबी चेहरे के तौर पर उन्हें कहा जाएगा और जो करनाल की सीट है वो एक पंजाबी यंग फेस को और कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस है उससे निकल कर आई है टिकट। बिल्कुल, और सोनीपत में अगर हम बोले कि सतपाल ब्रह्मचारी को आगे किया गया है तो निश्चित तौर से ब्राह्मण वर्ग का भी उतना ही ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, सतपाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण भी है और साधु भी है और कहीं ना कहीं जो हरिद्वार में उनके आश्रम वगैरह है वहां लगातार एक्टिव रहते हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि उसके बाद की जो भी राजनीति है उनका जींद और जो कुछ जींद का इलाका आता है, जींद डिस्ट्रिक्ट सोनीपत लोकसभा में पड़ती है और वहीं से उनका ताल्लुक भी है, पुराना ताल्लुक। उनसे जब पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जींद हल्के से ही उनका गांव आता है और उस हिसाब से वो बाहरी नहीं है और इस हिसाब से वो कहीं ना कहीं सोनीपत के लोकल हैं। अब ये महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण चेहरा देने का काम तो किया गया है, कितनी मजबूती से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल, और ये जो अब सूची सामने आई है ये निश्चित तौर पे पूरा मंथन जो है एक महीने का, दो महीने का, वो अब क्लियरली दिखाई दे रहा है इस लिस्ट में। गुरुग्राम का अगर मैं जिक्र करूं विनोद, तो अब क्या संशय रहता है? गुरुग्राम को लेकर निश्चित तौर पर राज बब्बर की दावेदारी, कैप्टन अजय सिंह यादव की दावेदारी ये महत्वपूर्ण है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी नाम जो कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे वो नाम भी है। राज बब्बर है, वर्धन का भी कोई नाम निश्चित तौर पर जो राज बब्बर खेमा है वो कह रहा है, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव की मुलाकात की जानकारी मुझे मिल पा रही है कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़े लीडर के साथ मुलाकात के बाद कुछ चेंजेस होते हैं और उसकी ओर इशारा अब तक हमारे सोर्सेज कर रहे हैं। तो अब लगता नहीं है कि आज रात को कम से कम जो टिकट है वो गुरुग्राम की जारी होगी, अब इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, यानी कि गुरुग्राम को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ रोहतक में कोई डाउट नहीं था, सिरसा में कोई डाउट नहीं था, तो यहाँ पे तो पूरा क्लियर कट, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं और पूरा चुनाव प्रचार भी आसानी से देखा जाएगा। अब देखिए, निश्चित तौर पर तीन उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूजन नहीं था, महेंद्र प्रताप को लेकर भी कंफ्यूजन नहीं था, हालांकि उसमें रेस में बने हुए थे करण दलाल, लेकिन मैं लगातार आपसे जब भी बात होती थी कहता था कि कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय को ही ये टिकट जाएगी और कहीं ना कहीं जाट होने के नाते करण दलाल को यहाँ टिकट मिलने की संभावना कम है और वो ही साबित हुआ। और हमारी जो सोर्सेज थे, सतपाल ब्रह्मचारी हो, दिवांशु बुद्धि राजा का भी नाम आपसे कुछ देर पहले आपने सुना होगा कि जिस तरह से मैं कह रहा था कि उनका नाम भी आ सकता है, मेरे सोर्सेज मुझे इंडिकेट कर रहे थे, तो काफी हद तक जी मीडिया ने दर्शकों के बीच में अपने सोर्सेज से जो भी जानकारी रखी थी उस पर लगभग राम दान सिंह का आप नाम ले लीजिए, सतपाल ब्रह्मचारी का आप नाम ले लीजिए, वरुण मौलाना का आप नाम ले लीजिए, और जिस तरह के सोर्सेज ने हमें इंडिकेट किया था, हम कह सकते हैं कि ब्रजेंद्र से जेपी ने जरूर बाजी मारी है और एक बार लग रहा था कि ब्रजेंद्र की टिकट हो जाएगी, लेकिन फाइनल राउंड जो कहें कि फाइनल अनाउंसमेंट का राउंड है वो जयप्रकाश और जेपी जीतने में कामयाब रहे। अगर हम हिसार की बात करें, जेपी की बात करें विनोद, तो यहाँ पे मैदान में है नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और साथ ही साथ रणजीत सिंह चौटाला, तो ऐसे में अगर हम नैना सुनैना चौटाला की बात करें तो एक जाट वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा बटता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में जेपी का नाम आगे करने से कांग्रेस को कितना फायदा? देखिए, जयप्रकाश पहले चुनाव लड़ चुके हैं और उनका किस तरह का असर रहेगा, लोकल लगातार बने रहते हैं, नैना दुष्यंत चौटाला की माता जी है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जेजेपी ने अपना एक बड़ा चेहरा उतारा है हिसार में। रणजीत सिंह चौटाला, वो भी चौटाला परिवार से आते हैं, तो तीन जो कैंडिडेट हैं, चाहे बीजेपी के हो,
जेजेपी के हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के हो, वो चौटाला परिवार से ही है। लेकिन जयप्रकाश इससे अलग हटते हुए कहीं ना कहीं है तो जाट चेहरे के तौर पर ही, लेकिन वो पुराने सांसद होने के नाते और जिस तरह से मैंने कहा कि जो दावेदारी थी। चलिए विनोद, हमारे साथ रावदान सिंह जुड़ गए हैं। रावदान सिंह जी, भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिल गया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब विधानसभा से लोकसभा की तैयारी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टी बीमारी दी है तो उस बीमारी के ऊपर हम अपने पूरे प्रयास करेंगे। लंबे वक्त से मंथन जारी था, अंदेशा था, अनुमान था कि हाँ अब आश्वस्त है कि टिकट मिलेगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, पार्टी की तरफ से पहले ही सूचना दे दी गई थी सर? नहीं नहीं, पार्टी की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी, अभी लिस्ट जारी हुई है, उसी से देख के मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, और तैयारी अब पूरी है। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ में आप पहले ही अपना चुनावी पैठ बनाए हुए हैं, तो अब ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी? नहीं देखिए, मेरा क्षेत्र भी वही है, जन्म क्षेत्र भी वही है, कर्म क्षेत्र भी वही है, तो सारे भाइयों से एक अच्छा रिश्ता है, तो यही अपेक्षा करते हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए सभी साथी, सभी भाई, सभी मिलकर के ना लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ रावदान सिंह जी, हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। विनोद विधायक जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दिल्ली में आपसे अक्सर मुलाकातें मेरी होती रहती थी और मैं आपसे अक्सर पूछता था, तो आप कहते थे कि जो पार्टी तय करेगी, तो पार्टी ने तय कर लिया है। जो परंपरागत सीट कही जाती थी क्योंकि चौधरी का दावा बनता था, उसमें एक नयापन देते हुए रामदान सिंह, जो की महेंद्रगढ़ आप विधायक भी हैं, सीनियर वरिष्ठ विधायक हैं राम सिंह साहब, तो आपको टिकट की जिम्मेवारी मिली है, क्या माहौल रहेगा अब? बहुत बढ़िया माहौल रहेगा, पूरे हरियाणा के अंदर ही माहौल जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो कार्यप्रणाली रही उससे बड़ी भारी निराशा है और लोग बदलाव के मूड में हैं और बदलाव चाहते हैं। आज के दिन टिकट मिली है तो कुछ की टिकट कटी है, क्या लगता है कि जो पहले लड़ते रहे थे वो लोग आपके साथ कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे? वो बिल्कुल जाएंगे, हमारा ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसका उनका करते हम करते हैं, हमारा हुआ है, तो मैं मुझे पूरी आशा है कि हम मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। गांधी साहब एक सवाल जरूर बनता है, पीसीसी चीफ उदयभान हो या फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनकी छाप नजर आती है। सतपाल ब्रह्मचारी का नाम हमने देखा था, मुलाकातें दिल्ली में भी उनसे हुई थी, जब आपसे मुलाकातें होती थी तो राव दान सिंह साहब के साथ सतपाल ब्रह्मचारी भी थे और महेंद्र प्रताप का नाम भी था, इसमें छाप नजर आती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कहीं ना कहीं छाप नजर आती है उदयभान की, पीसीसी चीफ की, पूरी चली है उनकी? वो तो देखिए पार्टी का एक प्रोसीजर है टिकट तय करने का, कि पहले स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है, उसकी रिपोर्ट के आधार पे सीईपी से फैसला किया जाता है, उसके अंदर सीएसपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट को सम्मिलित किया जाता है, तो मैं समझता हूँ ये सबके आपस के अच्छे मंथन से जो है ये काम हुआ है। ठीक है ना? नहीं बिल्कुल, एक आखिरी सवाल का और जवाब दे दीजिए कि ओवरऑल जो 8 उम्मीदवार आज उतारे गए हैं, एक तो महागठबंधन के सुशील गुप्ता थे, कैसी लिस्ट लगती है आपको देखने में, आपने अलावा भी अगर इधर उधर बात करें तो? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं समझ नहीं पाया बीच में आवाज कट गई, क्या बताया आपने दोबारा बता पाए? सवाल ये है कि दांतिक साहब आपको तो बहुत मुबारक और आप अपनी महेंद्रगढ़ में लड़ाई लड़ेंगे, बाकी ओवरऑल लिस्ट कैसी नजर आती है आपको? बहुत बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ सभी लोग बड़े मजबूत हैं और अपनी लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस आप देखेंगे पूरे प्रदेश में विजयी होकर रहेगी, हमारी 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे और एक हमारे गठबंधन की है वो भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे, ये हालात है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, तो कब नॉमिनेशन वगैरह की आपकी फॉर्मेलिटीज होंगी, कब वो हम बता देंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में आपके सहयोग की हमेशा अपेक्षा रहेगी, मैं ऐसा समझता हूँ कि स्वस्थ परंपराओं को रखते हुए प्रजातंत्र की उन भावनाओं को बढ़ाते हुए प्रेस का एक बहुत पॉजिटिव रोल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास सिंह साहब, धन्यवाद। बिल्कुल विनोद, रावदान सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, रावदान सिंह जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विनोद, अब चूंकि रावदान सिंह जी से बात तो हो गई है, लेकिन अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो विधानसभा ऑलरेडी, मतलब विधानसभा के सदस्य थे, अब विधायक थे, अब लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, खुद तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें महेंद्रगढ़ की, भिवानी की, तो कितना फेवरेबल? देखिए एक कार्ड है कहीं ना कहीं, धर्मवीर जो 2 बार से सांसद बनते आ रहे हैं वो जाट चेहरे के तौर पे थे
कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया है, जननायक जनता पार्टी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, राव बहादुर को टिकट दिया। अब राव बहादुर को टिकट दिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चीज को अपनी मीटिंगों में आगे रख पाई कि राव दानसिंह के तौर पर एक चेहरा ऐसा दिया जा सकता है जो परंपरागत सीट का बंटवारा होता रहा है उसमें सरप्राइज करने का काम करेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तमाम जो वोटर्स हैं वहां के तय करेंगे, लेकिन रणनीतिक तौर पर चर्चा और कहीं ना कहीं दर्शकों के सामने हम रख सकते हैं ये कोशिश शुरू से थी कांग्रेस के रणनीतिकारों की। इस बार महेंद्रगढ़ भिवानी में एक अहिर चेहरे के तौर पर एक यादव चेहरे को उतारा जाए और पुराने समीकरणों से पुराने उम्मीदवारों से अलग हटते हुए थोड़ा सा सरप्राइज करते हुए अहिर कैंडिडेट दिया जाए, इसकी बड़ी जोरदार तरीके से पैरवी हुई। पैरवी के बाद अब रामदान सिंह की जो टिकट है उसी फॉर्मूले पे उसी रणनीति पर साफ सामने नजर आती। बिल्कुल, अगर बार बार आप विनोद जिक्र करें कि इस पूरी सूची में छाप नजर आ रही है प्रदेश अध्यक्ष की और पूर्व मुख्यमंत्री की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आलाकमान का भरोसा ज्यादा किस पे है जो लगातार गुटबाजी चलती आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक गुट को शांत करने के लिए या फिर शांत करता हुआ एक संदेश दे दिया गया है। देखिए अब होगा क्या उसका तो देखा होगा, लेकिन जो ये कैंडिडेट्स है ना मैं उनका बैकग्राउंड बता सकता हूँ, टिकट के लिए कौन से कर्मचारी लगातार दिल्ली आ रहे थे और दिल्ली में मुलाकात आलाकमान से होती हो तो होती हो, लेकिन हरियाणा के लीडर्स में सिर्फ और सिर्फ सतपाल ब्रह्मचारी, उपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान से मुलाकात कर रहे थे। ये मैं राव दानसिंह के बारे में भी कह सकता हूँ, ये बात मैं दिवांशु बुद्धि राजा के बारे में भी कह सकता हूँ। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें छाप कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष की ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल, और अब जो है चुनाव प्रचार प्रसार में उम्मीद जताई जा रही है विनोद, हालांकि दावे भी उतने ही किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी जिसका पहले बहुत पहले हमने जिक्र किया था कि नामांकन से बहुत ज्यादा डिफरेंस रख के नहीं डेज का सूची जारी की जाएगी ताकि अगर किसी प्रकार का विवाद होता है विरोध होता है तो बहुत ज्यादा मैदानी स्तर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसी बात का ध्यान रखते हुए क्योंकि दो तीन नाम तो ऐसे हैं जहां पर विवाद तो आगे चल के होना बहुत लाजमी सा दिखाई दे रहा है, नाराजगी दिखाई ही देगी। देखिए पार्टी किस तरह से उनको निपटेगी ये देखना पार्टी के स्तर पर, लेकिन श्रुति चौधरी के और किरण चौधरी की नाराजगी होगी इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस में आए, उनको निश्चित तौर पर झटका लगेगा इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को डील करनी पड़ेगी। अब पार्टी किस तरह से सोच समझ के इस रणनीति पर आगे बढ़ी है और दूसरी वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा दो चीज तो ऐसी है, खासतौर से हिसार का जिक्र कर लीजिए आप, महेंद्रगढ़ भिवानी सीट का जिक्र कर लीजिए, गुरुग्राम का होल्ड होना भी अपने आप में बड़ा मैसेज है। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका, विस्तृत रूप से आपने पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई है और नजर आपने बनाए रखे पूरे समय। अब सूची जारी हो चुकी है, तमाम सूची और जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनोद।